सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। आज गूगल ने वी शांताराम को उनके 116वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी है। शांताराम को उनकी फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है और उन्होंने अपने जीवन के लगभग 50 साल फिल्म जगत को दिए। उन्हें फिल्म जगत का पितामह भी कहा जाता है। वी शांताराम का जन्म 1901 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्होंने 1927 में अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की। इस फिल्म का नाम नेताजी पालकर है। वो केवल डायरेक्टर ही नहीं बल्कि एक्टर, एडिटर और फिल्म प्रोड्यूसर जैसे हर काम में माहिर थे और इसके साथ ही वो कई प्रतिभाओं में भी माहिर थे। शांताराम को फिल्मों में उनके द्वारा किए गए नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1933 में पहली रंगीन हिंदी फिल्म बनाई। वहीं हिंदी फिल्मों में मूविंग शॉट्स और ट्रॉली का भी सबसे पहले उन्होंने ही इस्तेमाल किया था। साथ ही एनिमेशन का प्रयोग भी उन्होंने ही शुरू किया था। भारत में फिल्मों के लिए सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित वी शांताराम ने 88 साल की उम्र में 1990 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। गूगल ने अपने डूडल में शांताराम की 1950 के दशक में आई तीन फिल्मों की तस्वीरों को उकेरा है। वी शांताराम ने अभिनेता के तौर पर लगभग 25 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने लगभग 92 फिल्में प्रोड्यूस की और लगभग 55 फिल्मों में निर्देशक के तौर पर काम किया है। इनमें नेताजी पालकर, चंद्रसेना, अमर ज्योति और छनक छनक पायल बाजे जैसी फिल्में हैं। नितिका के साथ मंजू, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, नई दिल्ली।